नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों से बताया था कि आज बहुत सारे जो छात्र हैं वो PNP का घेराव करेंगे और कल भी धरना प्रदर्शन है लखनऊ में और आज विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था प्रयागराज में। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप लोग, ये आज की तस्वीरें हैं। लगभग 11 बजे विद्यार्थियों का जो जमावड़ा है यहाँ पर हो गया था। बहुत सारे जो छात्र हैं वो आज यहाँ पर आए हुए थे और विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया, अधिकारियों से वार्ता की। इन विद्यार्थियों को अंदेशा है कि सरकार जो है जानबूझ करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए ये लटका रही है और अभी तक परीक्षाओं की जो तारीख है उसका ऐलान नहीं हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो वार्ता हुई है उसमें अधिकारियों ने क्या बताया कि कब होगी TET की परीक्षा और कब होगी Super TET। स्थिति में धरना होगा और उनको उस दिन तत्काल डेट डिक्लेयर करना होगा। ऐसा है साथियों, एक प्रोसेस होता है। हमने सचिव सर से दबाव बनाया कि टेट को जल्दी जल्दी निपटाइए। हम सोचिए सचिव सर यहाँ है, बाहर नहीं आ पाए कि वो मीटिंग में है। कह रहे लखनऊ से मैं लगातार इस डेट के संबंध में डेट को जल्दी से जल्दी निपटारेंगे और भरोसा है। उन्होंने ये कहा कि अगर शासन तरफ से आदेश आता है तो आचार संहिता लग जाएगी, मैं एग्जाम कराऊंगा। तो आप लोग परेशान रहिए। परेशान होइए, जैसा होगा अगर 2-3 दिन में टेट की डेट नहीं आती है उसके बाद हम लोग संवेदना नहीं। घंटे यही बोल रहा हूँ कि सर देखिए हमारी लाखों की संख्या है, तो उनको पता चला, वो देख भी रहे, लाइव कैमरा भी चल रहा है, सारी चीजें उनको पता है, कितने लोग बैठे हैं, कब से बैठे हैं। तो जो आप लोग आज धरना दिए हैं, इस धरने को जब 2 दिन के अंदर टेट की घोषित करेंगे और जब टेस्ट होगा उसके बाद ही सुपर टेट की विज्ञप्ति आएगी। उनका भी कहना है टेस्ट के बाद ही सुपर टेट की विज्ञप्ति आएगी, क्योंकि बताए कि अभी इसके पहले शिक्षा मित्र को मौका मिला है, आप लोगों ने 70,000 में उनको मौका एक चांस और दिया गया है, उसमें कई सारे शिक्षा मित्र जो टेट नहीं पाते हैं, जब तक टेट नहीं होगा सुपर टेट की विज्ञप्ति नहीं आएगी। सचिव जी का भी यही कहना है, इसलिए आप लोग जो कहेंगे उसको करने के लिए हम तैयार है। अगर आप बैठना चाहते हैं मैं अंदर बैठूंगा, आप जहाँ कहेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। डिसीजन आप लोग करना है, आप जो कहें वही करेंगे। जब तक टेट नहीं होता है लगातार बैठे। 11 को काम आ रहा है, फिर आएंगे भैया यहीं पे, उसी दिन डेट लेके जाएंगे। देखिए उस साथ की पूछे आचार संहिता लग जाएगी, 2 दिन लगेगी, टेट पे उसके कोई प्रभाव नहीं है और बिना टेट के सुपर टेट आने नहीं है। आप ये जान लीजिए, 9 को फिर रखिए, मैं भी टेट पास हूँ, ऐसा रहेगी टेट फेल। अरे टेट बहुत लोग पास है भैया, सही साथी आरोप लगाए कि टेट फेल है, फिर से रखिए। सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर शिक्षक पात्रता परीक्षा बिना भर्ती आ जाएगी आप बताइएगा। पात्रता परीक्षा जितना दबाव हो जल्द से जल्द कराने के लिए आज धरना दिया गया, उसमें आप लोग कामयाब हुए। सचिव जी कहे 2-3 दिन के अंदर ही आपके साथ भैया मैं क्या कहूँ, आप जहाँ कहेंगे जहाँ कहेंगे चलने के लिए तैयार है। 11 आप लोग जहाँ कहेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ कहेंगे मैं खड़ा हूँ आपके साथ। और अभी एक्टिव रहना जब तक शिक्षक भर्ती ना आ जाए। कुछ साथी देखिए कह रहे थे, देखिए हम लोग भी 28 बार लगातार लखनऊ रहते,
लेकिन लखनऊ रहने का मतलब तब निकलता जब पात्रता परीक्षा हमारी हो गई होती। 28 को अगर पात्रता परीक्षा हो गई होती हम लोग एक डेढ़ महीने लखनऊ अंडरग्राउंड बैठने के लिए तैयार है। हम अपना समय तब देंगे, सही समय पे देना चाहिए ना साथियों। अगर पात्रता परीक्षा हो गई होती तो हम लोग लगातार लखनऊ संघर्ष करते और जैसे जैसे डेट घोषित होती हम लोग फिर आगे लखनऊ के लिए संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे। और बाकी कोई साथी आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जो छात्र हैं वो सुबह से ही आ गए थे और ये विद्यार्थी काफी देर तक नारेबाजी करते रहे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी विद्यार्थी मांग कर रहे थे और सुपर टीईटी की जो परीक्षा है उसकी मांग कर रहे थे और यूपी टीईटी की जो परीक्षा है उसकी मांग कर रहे थे। बाद में इन छात्रों ने, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ज्ञापन दिया है पीएनपी के अधिकारियों को और अधिकारियों ने इनसे 2-3 दिन का समय मांगा है कि हम 2-3 दिन के अंदर टीईटी परीक्षा की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर देंगे। कोई स्पष्ट दिशा निर्देश कोई कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग अनुरोध धरना के लिए, भूख हड़ताल के लिए, पत्थर गिरजा के लिए जो धरना स्थल सरकार की तरफ से, प्रयागराज प्रशासन की तरफ से धरना स्थल घोषित किया गया है वहां पर हम चलेंगे और आप अपनी मांगों के साथ अनुरोध धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। थोड़ी देर यहाँ चलेगा, देखते हैं सचिव की तरफ से क्या आता है। अगर वो स्पष्ट दिशा निर्देश आता नहीं तो हम लोग थोड़ी देर के बाद मूवमेंट करेंगे। कुछ हमारे साथी और आ रहे हैं, ज्ञान गंगा से आ रहे हैं, आ जाएं सबको साथ लेकर वहां चलेंगे और वहां पर हम लोग रात दिन बैठेंगे। जो भी साथी हमारे साथ देना चाहते हैं वहां बैठिएगा, वरना आप लोग सपोर्ट करिएगा। हम 10-15 लोग भी 20 लोग भी वहां बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे लेकिन स्पष्ट दिशा निर्देश लेकर लौटेंगे साथियों। वो 15 नवंबर को हम लोग यहाँ पर थे, क्राउड ज्यादा हो गई थी, हम लोग मैनेजमेंट नहीं कर पाए। लेकिन हमें क्राउड में सिर्फ हमको पॉपुलरिटी नहीं लेना है साथियों, हमें हमारा काम होना चाहिए। यूपी टेट रद्द हुआ है, यूपी टेट लीक हुआ है। अगर यूपी टेट हो गया था तो आज सुपर टेट की दिशा निर्देश खुल जाता, सुपर टेट का रास्ता खुल जाता। सरकार की कहीं ना कहीं चाल है यूपी टेट को रद्द करना। उसके बाद जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया, कि एक माह के अंदर यूपीटेट करा लिया जाए। जब प्रदेश सरकार के मुखिया बोल रहे हैं कि एक माह के अंदर यूपीटेट करा लिया जाए तो फिर क्यों नहीं कराया गया? क्यों न्यूज पेपर में आ रहा है कि जनवरी में 15-20 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी साथियों, और आचार संहिता लग जाएगी। असल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी जानबूझ करके सब कुछ लेट किया गया है। अगर सरकार की मंशा होती कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए तो यूपी टीईटी के लिए पहले ही अनुमति दे दी गई होती। पहली बात तो टीईटी के विज्ञापन आने में जानबूझ करके देरी की गई। विद्यार्थियों ने पहले टीईटी के लिए भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, तब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि कोरोना है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। जबकि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग इत्यादि की बहुत सारी जो परीक्षाएँ हैं वो पहले से ही शुरू हो चुकी थी और तब जाकर के बड़ी मुश्किल में यूपी टीईटी का जो है विज्ञापन निकला और उसके बाद में इसकी परीक्षा हुई। उसके बाद में जानबूझकर के बताया जा रहा है कि सरकार ने इसको रद्द करवाया है पेपर लीक होने के आरोप में। इसके पहले भी भर्तियों में बहुत सारे आरोप लगे लेकिन उनको रद्द नहीं किया गया। हालांकि विद्यार्थी लगातार दबाव बना रहे हैं और आज अधिकारियों ने कहा है कि 2-3 दिन के अंदर हम टीईटी की जो तारीखें घोषित कर देंगे और शासन की तरफ से अगर निर्देश आएगा तो हम जो है सुपर टीईटी का जो भर्ती है वो भी करवाएंगे। लेकिन जो सुपर टीईटी की भर्ती आएगी वो टीईटी के बाद में ही आएगी। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।